केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट बीजेपी लूट अभियान शुरू किया है। एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर केंद्र सरकार की निजीकरण नीति का विरोध किया। कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट बीजेपी लूट अभियान का आगाज किया है। इसमें 1 लाख से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सचिव ललित तुनवाल ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार देश की संपत्ति को निजी हाथों में देने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिस तरह से भारत सरकार की मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचने का एक मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना जो बना रखी है, 6 लाख करोड़ 4 सालों में जुटाने की जो बात कर रहे हैं, इन लोगों ने 7 सालों में देश में कोई नए एसेट्स तो तैयार नहीं किए, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में जो 70 साल में जिस तरह से जो राष्ट्रीय संपदाएं हैं उन संपदाओं को बेचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से इससे बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी लोगों के बीच में। जैसे हम उदाहरण दें तो LIC को बेचने की वो बात करते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी उसमें काम करते हैं, 50,000 करोड़ का सालाना मुनाफा है। आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी संस्था के रूप में वो जानी जाती है, सबसे पुरानी एक बीमा कंपनी है, उसको निजी हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं।